सत्यम परम धीमहि। प्रियजनों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल लाइव सॉल्यूशंस बाय यदुना जी के अंदर, कि जिसमें अपन जीवन के किसी न किसी एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करते हैं जो देखने में अपन को छोटा लगे लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। और आज जिस विषय की चर्चा अपन करने जा रहे हैं वो है पावर ऑफ गिविंग। देखो, इस दुनिया में अपन दुखी कब होते हैं और जीवन में असफल कब होते हैं, कि यूनिवर्स के संग जब अपनी हारमोनी डिस्टर्ब हो जाती है। ये यूनिवर्स जो कार्य में हमको लगाना चाहता है उससे अपन अलग हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जब सूरज उगता है किसके लिए, उसका प्रकाश किसके लिए, बोले औरों के लिए। जब ये नदियां बहती हैं, बोले किसके लिए, बोले औरों के लिए। वृक्षों के ऊपर फल उगते हैं किसके लिए, औरों के लिए। तो इस दुनिया के किसी भी तत्व को आप देखो, इस ब्रह्मांड के किसी भी तत्व को आप देखो, उसका जीवन या उसका होना, उसका एग्जिस्टेंस औरों के लिए है। लेकिन हमने क्या किया, अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दिया। और जब अपने लिए जीना शुरू कर दिया, अपने लिए कमाना शुरू कर दिया, अपने लिए ही सब कुछ करना शुरू कर दिया, तब इस यूनिवर्स के संग अपना रिदम डिस्टर्ब हो गया। देखो, एक लाइफ साइकिल होती है और एक सर्कल पूरा होना चाहिए। जब ये दुनिया में से हमें कुछ मिलता है, हमारे पास आया, अब हमारे पास होकर वो वापस दुनिया के पास जाता है, तब एक सर्कल पूरा होता है। और जब सर्कल पूरा होता है तो हम यूनिवर्स के संग रिदम में आ जाते हैं, यूनिवर्स के संग हारमोनी क्रिएट कर देते हैं। देखो, किसी के पास बहुत संपत्ति है, किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन उसको कोई स्वामी मानने को तैयार नहीं। उसके घर काम करने वाले भी उसको स्वामी नहीं कहते, लेकिन किसी ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ दे दिया, तो लोग उसे स्वामी कहते हैं। क्योंकि स्वामी उसी को कहा जाता है वो नहीं जो रखता है, वो जो औरों को दे सकता है, औरों के पास खुशी बांट सकता है, औरों को अपनी प्रिय वस्तु भी सौंप सकता है। और इसलिए एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े खड़े कहीं बात कर रहे थे। देखा सामने कोई भिखारी है, बेचारा बहुत दुखी था, कपड़े फटे हुए थे और उसको देख के लग रहा था कई दिनों से उसने खाया नहीं, और उसकी दशा देख के अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं उसे सुखी करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, देखो, उसके संग संग उसका दुर्भाग्य चल रहा है। तुम यदि सुखी करना चाहोगे तो चाहकर भी उसे सुखी नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, ऐसी कैसी बात आप कर रहे हो, मैं उसे सुखी कर दूंगा, मैं जानता हूं कैसे किसी को सुखी करना। अच्छा, प्रभु ने कहा, ट्राई करके देखो। अर्जुन उसके पास गया और जाके सोना की मोहरों से भरी हुई थैली उस भिखारी को दिया और कहा कि देख, आज से ये सारी संपत्ति तेरी है, आज से तेरा जीवन बदल गया, आज से तू सुखी हो गया, आज से तू जो चाहेगा वो जीवन में पा पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। और भिखारी तो इतना खुश हो गया, और जहाँ दो दो पैसों के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, और इतने सारी सोना की मोहरें मिल गई, अब तो मैं अपना बड़ा मकान बनाऊंगा, अब तो मैं अपने लिए ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। ये सोच के चलते चलते जा रहा था, प्रभु ने पहले ही कहा था कि उसके संग उसका दुर्भाग्य चल रहा है। और जैसे ही भिखारी आगे गया, क्या देखा, सामने से एक लुटेरा आया और लुटेरा ने उसे मार के उसके सारे सोने के मुद्राओं से भरी हुई थैली छीन ली। दूसरे दिन भगवान और अर्जुन वापस उसी स्थान पे आए और अर्जुन को बड़ा संतोष था कि देखो, एक दुखी को, एक गरीब को मैंने सुखी कर दिया, एक व्यक्ति का भाग्य बदल दिया। चाहे भगवान कहते थे कि उसका दुर्भाग्य उसके संग चल रहा है, लेकिन देखो, मैंने उसे सुखी कर दिया कि ना कर दिया। ये विचार करके भगवान और अर्जुन जैसे ही वहाँ पे आए, क्या देखा कि वो भिखारी उसी स्थान पे बैठ के भीख मांग रहा है। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, भागते भागते गया और कहा, अरे अरे भैया, अब तू यहाँ क्यों बैठा है, मैंने तुझे कल सोनों की मोहरों से भरी हुई थैली दे दी, करोड़ों का मूल्य था, और फिर से तू भीख क्यों मांग रहा है। उसने कहा, क्या बताऊँ, मैं तो जा रहा था लेकिन एक लुटेरे ने आके मेरी सारी संपत्ति लूट ली, और फिर से मैं जो दशा में था उसी दशा में आ गया। प्रभु ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, देख, मैं कह रहा था उसका दुर्भाग्य उसके संग चल रहा है, तो चाहकर भी उसे सुखी नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, इसको तो मैं सुखी करके रखूंगा, मैं उसे सुखी बना के ही छोड़ूंगा। और तब अर्जुन ने एक बड़ा कीमती हीरा उस भिखारी को दिया और कहा, देख, ये हीरा अनमोल है, इसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता, और ये हीरा मैं तुझे दे रहा हूँ,
आज से तेरा भाग्य बदल गया। भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, इसका दुर्भाग्य संग चल रहा है। अर्जुन ने कहा फिर भी प्रभु, ये अनमोल हीरा दिया, अब तो ये सुखी होके रहेगा। और भिखारी ने भी सोचा कि देखो दूसरा मौका मिला है, ये हीरा मुझे मिला है तो ऐसी जगह छुपा के रखूंगा कि कोई उसे लूट के ले जा ना सके। चलते चलते गया, अपनी झोंपड़ी के अंदर आया और एक टूटा हुआ मटका सामने पड़ा हुआ था। उसने कहा ये पुराना मटका है, तो उस पुराने मटके के अंदर छुपा दूंगा ताकि कोई देख ना पाए, और कोई चोरी करने भी आवे तो उसे ये अनुभव ना हो कि उस पुराने मटके के अंदर कुछ हो सकता है। और जैसे ही पुराने मटके में हीरा रखे वो चला गया। थोड़ी देर में उसकी पत्नी जो पानी भरने के लिए नदी किनारे गई थी, अचानक रस्ते में उसका मटका टूट गया। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, मटका टूट गया, पानी भर के लाना है, तो घर में जो पुराना मटका पड़ा है वो पुराना मटका लेके मैं पानी भरने जाती हूँ। वापस घर पे आई और जिस मटके के अंदर उसने हीरा छुपा के रखा था उसी मटके को लेके वो पानी भरने के लिए गई। और जैसे पानी भरने के लिए उसने मटका पानी में उतारा और मटके के अंदर से वो हीरा नदी में बह गया। जैसे पानी भर के घर पे लाई और वो भिखारी जब घर में आया क्या देखा, अरे ये मटका किसने छुआ? उसने कहा क्या बताऊं, उसकी पत्नी ने कहा मैं तो पानी भरने गई थी और जो मटका टूट गया तो फिर ये पुराना मटका ले जाके मैंने इसमें पानी भरा। अरे ये तूने क्या कर दिया, इसके अंदर तो मैंने हीरा छुपा के रखा था। जैसे ही भागते भागते आया पूरा मटका देखा, लेकिन मटके में सिर्फ पानी था, हीरा तो नदी में बह चुका था। बड़ा दुखी हो गया। तीसरे दिन जब भगवान और अर्जुन वापस उस स्थान पे आए, अर्जुन बड़ा संतुष्ट था, बड़ा प्रसन्न था, चलो कैसे भी करके उसको सुखी कर दिया। लेकिन तीसरे दिन आके देखा तो वो भिखारी वहीं बैठ के भीख मांग रहा था। अब अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया, भैया तुझे मैंने इतनी सोना की मुद्राएं दे दी, ये हीरा दे दिया, फिर भी तू भीख क्यों मांग रहा है? बोले क्या करूं, मेरी पत्नी गलती से वो हीरा जिस मटके में छुपाया था वो लेके पानी भरने गई और वो हीरा पानी में बह गया, मैं फिर से वैसे के वैसे रह गया। भगवान ने कहा देख मैंने कहा था इसका दुर्भाग्य संग चल रहा है, इतनी इतनी बार तूने प्रयत्न किया फिर भी सुखी न हो पाया। प्रभु कहते तेरी जो इच्छा हो तो एक प्रयत्न मैं इसे सुखी करने का करूं। अर्जुन को हंसी आ गई, सोने की मुद्रा से भरी हुई थैली दे दी, सुखी न हुआ, ये अनमोल हीरा दे दिया, सुखी न हुआ, तो आप इसे सुखी कैसे करोगे? भगवान उसके पास गए और उसे सिर्फ दो पैसे दिए। और जब दो पैसे दिए देख के अर्जुन को हंसी आ गई कि सोनों की मुद्रा से भरी हुई वो थैली उसे सुखी न कर पाई, वो कीमती हीरा सुखी न कर पाया, तो प्रभु आपके दिए हुए वो दो पैसे उसे सुखी कैसे कर पाएंगे? प्रभु ने कहा प्रयत्न तो करने दो। और जैसे ही प्रभु ने वो दो पैसे भिखारी को दिए, भिखारी को लगा अरे कल तो देखो कैसा कीमती हीरा मिला था, परसों सोनों की मुद्रा से भरी हुई थैली मिली थी, अब उसमें से भी कुछ मेरा हुआ नहीं तो ये दो पैसे से क्या होगा, और दे दे के दो पैसे दिए। सोचते हुए भिखारी चलते हुए जा रहा था, वहाँ सामने ही एक मछली पकड़ने वाले ने अपनी जाल पानी में नदी में डाली थी और उसमें से कई मछली फंस के बाहर आई थी। सारी को तो उसने अपने पात्र में भर लिया, लेकिन एक मछली वहाँ जाल में फंसी हुई तड़प रही थी, और जहाँ तड़प रही थी उस भिखारी से देखा न गया, बेचारी प्राणों के लिए कितनी तड़प रही है, कितनी व्याकुल है और कितनी बेचैन है, बेचारी बचना चाहती है, जीना चाहती है, मैं इसे कैसे बचाऊं? तब उसने देखा कि दो पैसे मेरे पास हैं, इससे मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इससे यदि इसके प्राण बचते हों तो फिर मैं बचाने को तैयार हूँ। ये विचार करके उसने उस मछली पकड़ने वाले से कहा कि देख तेरे पास तो इतनी सारी मछलियाँ तूने आज पकड़ ली हैं, तो ये एक मछली कम से कम मैं तुझे दो पैसे देता हूँ, इसे मुझे मुक्त करने की आज्ञा दे दे, क्योंकि उसको तड़पते हुए देखते मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। उसने कहा ठीक है दो पैसे लाओ और ये मछली ले लो, लेकिन लेके कैसे जाओगे? ऐसे करो एक पानी से भरा हुआ पात्र लेके आओ, मैं उसमें मछली को डाल देता हूँ और उसे ले जाके नदी में वापस डाल दो। बोले ठीक है। भिखारी गया अपने कटोरे के अंदर पानी भर के लाया और उसमें जैसे ही उसने वो मछली को रखा और मछली को रख के उसे मुक्त कराने के लिए, उसे प्राण दान देने के लिए वो नदी की तरफ जा रहा था और उसी मछली के मुख में से वो हीरा निकला कि जो हीरा उसकी पत्नी के द्वारा नदी के अंदर डूब चुका था। और जैसे ही हीरा निकला वो प्रसन्न हो गया और चिल्लाने लगा मिल गया मिल गया मिल गया। और जैसे ही मिल गया चिल्ला रहा था, उसके पास में से वही लुटेरा निकला कि जो उसकी सोना की मुद्राएं चोर के ले गया था। और जब उसने भिखारी को चिल्लाते सुना और वो लुटेरे को लगा कि जरूर इसने मुझे जान लिया है, पहचान लिया है
और इसलिए मिल गया चिल्ला रहा है। और यदि राजा को फरियाद इसने कर दी तो राजा मुझे मृत्यु दंड देगा, इसलिए जाके क्षमा मांग लूँ। और वो आया और सोने की मुद्रा की थैली भिखारी के हाथ में लेके कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, अब से कभी चोरी नहीं करूँगा, लेकिन राजा के पास जाके मेरी फरियाद मत करना। अब भिखारी के एक हाथ में वो हीरा है जो खो गया था, उसके एक हाथ में वो सोने मुद्रा की थैली है जो लुट गई थी, और अब भगवान और अर्जुन देख के हंस रहे हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु एक चीज़ समझ में ही नहीं आई, मैंने उसे सुखी करने के लिए सोने की मुद्रा ही दी फिर भी सुखी न हुआ, मैंने उसे सुखी करने के लिए हीरा दिया फिर भी सुखी न हुआ, लेकिन जब आपने दो पैसे दे दिए तो उसका खोया हुआ सब कुछ उसे वापस कैसे मिल गया? तब भगवान ने कहा, यही है सुखी होने का उपाय, क्योंकि जब तुमने सोने की मुद्राएं दी तब उसने अपने बारे में सोचा, जब हीरा दिया तब भी उसने अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने दो पैसे दिए तब उसने किसी और के बारे में सोचा, और जब औरों के बारे में सोचा तो उसका खोया हुआ उसे सब कुछ मिल गया। तो जीवन में हम भी चाहे अपनी इनकम कितनी भी हो, चाहे हम कितना भी कमाते हों, लेकिन उसमें से कुछ भाग हम कोई ऐसों को देवें कि जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी हमसे कनेक्ट न हो किसी और के बारे में, कि जहाँ कुछ करके अपन को खुशी मिले, जहाँ कुछ करके अपने मन को आनंद मिले, ऐसी जगह यदि हम देना शुरू करें तो ये पावर ऑफ गिविंग का अनुभव आप कर पाओगे। जब तक संभाल के रखना चाह रहे थे तब सारी वस्तुएं आपके हाथों से निकल रही थी, लेकिन जैसे ही देना शुरू करोगे तो गई हुई वस्तुएं भी लौट लौट के आपके पास आने लगेंगी। तो यही अपना संदेश देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मानव जीवन पहली की तरह होता है जो सिर्फ सवाल देता है, पर इसका जवाब हमें खोजना पड़ता है, और उन जवाब को खोजने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसी मार्गदर्शक की, कि जो हमारे जीवन की मिसिंग कड़ियां हमें बताएं, जो हमारे जीवन की समस्या का समाधान हमें बताएं, और हमारे जीवन को उत्सव बनाने की कला हमें सिखाएं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव आचार्य श्री यदुनाथ जी हमारे जीवन के उलझे प्रश्नों को सुलझाने अपनी नई YouTube चैनल लाइफ सॉल्यूशन बाय यदुनाथ जी प्रस्तुत है। क्या आपके मन में ऐसे प्रश्न ज्यादा हैं कि कितनी मेहनत करने पर भी और औरों से अधिक टैलेंट होने पर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्या आपको लगता है आप जीवन में बंद से गए हो, सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? क्या आपको लगता है सब कुछ पाने के बाद भी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मन में बेचैनी है और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा? तो यह चैनल आपके लिए है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें यदुनाथ जी स्लाइड सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।